राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो में आगे बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महादेव अपना त्रिशूल शंखचूर्ण के ऊपर चला देते हैं और तभी आप लोग देखेंगे कि शंखचूर्ण को प्रेम की शक्ति ना मिल पाने के कारण त्रिशूल उनके लग जाता है और उसका अंत हो जाता है और देवी तुलसी अत्यधिक पीड़ा में होती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं कि कृष्ण ने इतना समय क्यों लिया, शंखचूर्ण का अंत तो पहले भी कर सकते थे। और तभी महादेव कहते हैं कि क्योंकि जितना प्रेम तुलसी शंखचूर्ण से करती थी उतनी घृणा को जन्म देने में समय लगता है। और कहते हैं, परंतु दुख तो इस बात का है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण ने इस यात्रा में स्वयं को तुलसी की नजरों में घृणा का पात्र बना दिया है। जो उनकी परम सखी थी उसी के हृदय में स्वयं के लिए परम घृणा उपजानी पड़ी उन्होंने। और फिर देवी पार्वती कहती हैं कि चलिए जैसा भी हुआ इसका अंत शुभ हुआ। और फिर तभी महादेव कहते हैं कि नहीं गौरी, बुरा होना तो अभी शेष है, क्योंकि तुलसी का स्वभाव अब बदल गया है। उसके हृदय में ममता की जगह घृणा उत्पन्न हो गई है, क्रोध उत्पन्न हो गया है और इस घृणा और क्रोध का ताप मेरे आराध्य श्री कृष्ण को सहना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी तुलसी कहती हैं, कृष्ण तुमने भी छला है मुझे। और कहती हैं, वो स्पर्श भी शंखचूर्ण का नहीं था, तुम्हारा था कृष्ण। और कहती हैं, मैं एक पर पुरुष के आगमन में थी। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी, तुम्हारे प्रेम की शक्ति से शंखचूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए निकला था। और कहते हैं, तुलसी वास्तविक प्रेम क्या होता है समझाने के लिए, सत्य से अवगत कराने के लिए यह आवश्यक था, तुम स्वयं मुझे बताओ तुलसी। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे तभी तुलसी इशारा करती हैं कि मौन हो जाओ और कहती हैं, कुछ नहीं सुनना मुझे, शंखचूर्ण को उसके छल का दंड मिला, उसका वध हुआ। और फिर आगे कहती हैं, अब तुम्हें भी, तुम्हारे पाप के दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कृष्ण। और कहती हैं, श्राप के भागीदार तुम भी हो। और फिर आप लोग देखेंगे तभी राधा आ जाती हैं सामने और कहती हैं, नहीं तुलसी, कृष्ण को श्राप मत देना, उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है, क्रोध में आके कुछ ऐसा मत कर देना कि पश्चाताप करने के लिए अवसर भी ना मिले। और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं, मुझे पश्चाताप नहीं प्रतिकार चाहिए। और देवी तुलसी कहती हैं, तुम भी इससे हट जाओ अन्यथा मेरे श्राप की भागी तुम भी बनोगी। और फिर राधा कहती हैं, ठीक है, दो श्राप, शंखचूर्ण से प्रेम करके तुम्हें इतना तो अनुभव हो चुका होगा कि जिससे प्रेम किया जाता है उससे दूर नहीं हुआ जाता किसी भी परिस्थिति में। और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं कि तो तुम्हें इतना गर्व है कि तुम कभी अलग नहीं हो सकते, तो ठीक है, आज मैं तुलसी की यह श्राप देती हूँ, राधा कृष्ण सदा के लिए अलग हो जाएंगे। और आगे कहती हैं तुलसी कि तुम्हें कृष्ण को लेके ये लगता है कि वो किसी के भी मन में प्रेम जगा सकता है, वो कृष्ण सदा के लिए पाषाण बन जाएगा। और फिर तभी आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं कि तुलसी, जो तुमने श्राप दिया इसे वापस ले लो, कृष्ण से विरह मैं नहीं सह पाऊंगी। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं, राधा ये संभव नहीं है, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लौट सकता। और फिर तभी राधा कहती हैं, यदि ऐसा है तो कृष्ण के स्थान पर ये श्राप मुझे दे दो। और फिर आगे बताती हैं, ये अपराध मैंने किया है, देवताओं की सहायता हेतु कृष्ण को आग्रह किया तुम्हारे पास आने के लिए, कृष्ण को इस अपराध का दंड मत दो तुलसी। और फिर तभी तुलसी कहती हैं, यदि अपराध तुमने किया है तो मैंने कृष्ण को श्राप देके उचित ही किया, क्योंकि कृष्ण को दिया दंड तुम्हारे लिए असहनीय होगा। नहीं, अत्यंत प्रेम करती हो ना तुम कृष्ण से, तो अब प्रेम की वेदना भी सहनी होगी। यदि तुमने कृष्ण से आग्रह किया था कि वो मुझसे आके छल करे, तो तुम अब कृष्ण को श्रापित होते हुए भी देखो, कल सूर्योदय के पश्चात सब वैसा ही होगा, केवल कृष्ण पाषाण की प्रतिमा बन जाएगा।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, कान्हा तुम बता क्यों नहीं देते कि सत्य में तुम हो कौन, बता दो इन्हें। और तभी कृष्ण कहते हैं कि नहीं दाऊ, रहने दीजिए, हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलता ही है और यह मेरे कर्म का फल है और मैं भागी हूँ, मुझे भोगने दीजिए। और फिर मित्रों तभी राधा कहती हैं कि कैसा कर्म फल कृष्ण, तुमने जो किया है सबके कल्याण के लिए किया है। और राधा कहती हैं कि तुम तुलसी को सत्य बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा उनसे क्या संबंध है। और फिर तभी कृष्ण मना करते हैं, लेकिन राधा उनकी बात नहीं सुनती हैं। और फिर तभी कृष्ण राधा को रोकने के लिए अपनी सौगंध दे देते हैं। और फिर मित्रों तभी आप लोग देखेंगे कृष्ण के पांव पाषाण बनने लगते हैं। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे मैं पाषाण बनने से पूर्व द्वारिका लौटकर अपना समय वहां व्यतीत करना चाहता हूँ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं कान्हा तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण जरूर होगी, हम अभी द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे। और मित्रों फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा से कहते हैं कि रथ रुकवा दो, मैं जल पीना चाहता हूँ। और फिर तभी राधा दाऊ से कह के रथ रुकवाती हैं और फिर दाऊ कृष्ण को उठा के बैठाते हैं और फिर राधा अपने हाथों से कृष्ण को जल पिलाती हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हें ज्ञात है राधा, पाषाण की प्यास कभी नहीं बुझती, ये पाषाण सूर्य की तीव्र किरणों में तपता है, उसके पश्चात यदि उसे छूकर जल का प्रभाव बहता है तब भी वो उससे अपनी प्यास नहीं बुझा पाता, उसकी कठोरता उसकी प्यास कभी बुझने ही नहीं देती, किंतु मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं पाषाण बनकर भी अपनी चेतना नहीं खोऊंगा राधा, क्योंकि जिस प्रकार प्रेम से तुमने मेरी प्यास बुझाई है मेरी आत्मा तृप्त और जागृत हो चुकी है, यह तृप्त रहेगी, जीवित रहेगी राधा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं महादेव कृष्ण पाषाण बन गए, उनके बिना इस ब्रह्मांड का संचालन कैसे होगा। और फिर तभी महादेव कहते हैं आपने उचित कहा देवी, बिना श्री कृष्ण के इस ब्रह्मांड का संतुलन अवश्य ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिना संचालक के पृथ्वी का संचालन संभव नहीं है और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं महादेव तो क्या महाप्रलय का समय आ गया है। और फिर तभी महादेव कहते हैं नहीं गौरी, समय है महाआरंभ का, श्री कृष्ण के नवीन रूप का। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस एपिसोड में, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।